पहले सायरन बजा, फिर तेज धमाके के साथ सुपर टैग के दो ट्विन टावर्स ढेर हो गए। भ्रष्टाचार की नींव पर बने 300 करोड़ की लागत से निर्मित 32 मंजिला ट्विन टावर्स इतिहास बनकर रह गए। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई दी। नोएडा सेक्टर 137 और सेक्टर 142 तक लोगों ने इन धमाकों की धमक को महसूस किया। वहीं कई किलोमीटर दूर सेक्टरों में बसे लोगों ने आसमान में उड़ रहे धूल के गुब्बार को देखा। इस इमारत के गिरने से 55,000 से 80,000 टन मलबा निकला, जिसे सी एंड की प्लांट में निस्तारित किया जाएगा। 100 टैंकर पानी का छिड़काव कर पेड़ पौधों और घास पर जमी धूल को साफ किया जा रहा है। बता दें कि सुपर टैग को 13.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। परियोजना का 90% यानी करीब 12 एकड़ हिस्से पर 2009 में ही निर्माण पूरा कर लिया गया था। 12 एकड़ में 900 परिवार रह रहे हैं। इतने ही परिवार 1.6 एकड़ में बसाने की तैयारी थी। अथॉरिटी में कोई सुनवाई नहीं होने पर RW इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। 2014 में हाईकोर्ट ने ट्विन टावर तोड़ने का आदेश जारी किया। सुपरटैग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले में 28 अगस्त को ट्विन टावर्स ढाने के आदेश जारी किए थे। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।